नॉर्थ कोरिया में बच्चों का हॉलीवुड मूवी या सीरीज देखना अब अपराध हो गया है। यहां तानाशाह किम जोंग ने आदेश जारी कर कहा, अगर बच्चे हॉलीवुड मूवी या सीरीज देखते हैं तो उन्हें और उनके माता पिता को जेल हो सकती है। इतना ही नहीं, उनके पेरेंट्स को 6 महीने के लिए लेबर कैंप में भेजकर मजदूरी कराई जाएगी। बता दें कि नॉर्थ कोरिया में पहले से ही हॉलीवुड मूवी और सीरीज देखना बैन है, लेकिन अभी तक वहां सजा इतनी कठोर नहीं थी। अभी तक सिर्फ फिल्म देखने वाले बच्चों के लिए ही सजा थी। अब बच्चों के साथ के माता पिता को भी सख्त सजा देने का ऐलान किया गया है। बच्चों को 5 साल तक की सजा दी जाएगी। नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में मीटिंग के दौरान नए कानून की घोषणा करते हुए कहा गया कि माँ बाप को समय समय पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनके बच्चे क्या देख रहे हैं। अगर पेरेंट्स घर पर बच्चों की अच्छे से परवरिश नहीं करेंगे तो वो बड़े होकर कैपिटलिज्म की तारीफ करेंगे और एंटी सोशलिस्ट हो जाएंगे। नॉर्थ कोरिया में बच्चों के लिए विदेशी फिल्म या शो देखना पहले से ही बैन है। पहले सिर्फ बच्चों के माता पिता को वार्निंग देकर छोड़ दिया जाता था, लेकिन नए कानून में पहली बार अपराध करने पर बच्चे और माँ बाप के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। ये चेतावनी सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं है। नॉर्थ कोरिया में अगर कोई भी विदेशी और खास तौर पर साउथ कोरिया का ट्रेडिशनल डांस करते हुए गाना गाते या इस बारे में बात करते मिलता है तो उसे और उसके पेरेंट्स को 6 महीने की सजा दी जाएगी। इससे पहले 6 दिसंबर को नॉर्थ कोरिया में हाई स्कूल में पढ़ने वाले दो बच्चों को सजाए मौत दी गई थी। रेडियो फ्री एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों स्टूडेंट्स की उम्र 15 से 16 साल थी। उन्हें सरेआम भीड़ के सामने गोली मार दी गई। दोनों स्टूडेंट्स ने अपने दोस्तों में कई कोरियन ड्रामा डिस्ट्रीब्यूट किए थे। दरअसल नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच तनातनी रहती है, इसके चलते नॉर्थ कोरिया के लोग साउथ कोरिया में बने शो और फिल्में नहीं देख सकते हैं।